नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल। मेरा नाम नवदीप चेहमल। देखिए, मोबाइल ख़राब फिर भी ऑनलाइन पंजीकरण का दबाव बनाया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमज़ोर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एक खबर तो भले ही उत्तर प्रदेश के सीतापुर से दे रहे हैं, लेकिन हालात जो है सभी जगह ऐसे ही हैं। कमेंट में बताइए अगर आपके जनपद में आपके पास जो मोबाइल मिले हैं उनके भी हालात अगर ऐसे ही हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जनपद का नाम और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखिए, सीतापुर से एक खबर हमें मिली है। ज़िले में कार्यरत आंगनबाड़ी वर्करों को विभाग की ओर से जो है केंद्रों पर पंजीकृत लाभार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण कराने का निरंतर दबाव बनाया जा रहा है। और जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराए गए मोबाइल में अधिकांश खराबी है। इसकी पूर्व में रिपोर्ट भी जो है विभाग को भेजी जा चुकी है, बावजूद इसके उन्हें नए मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए गए। इससे पंजीकरण में दिक्कत हो रही है। वहीं जगदीश प्रसाद वर्मा मंडल अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के, इनका ये बयान लगा हुआ है। इन्होंने कहा है कि साल 2019 में वर्करों को विभाग द्वारा मोबाइल दिए गए थे, इनमें से 90% मोबाइल ख़राब हो गए। बावजूद इसके वर्करों पर जो है मुख्य सेविका और CDPO की ओर से लाभार्थियों का पंजीकरण पोस्टर ट्रैकर ऐप पर कराने का दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, ये मोबाइल जो अभी आपको 2021 से मिले उनके बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, ये 2019 में जो मोबाइल मिले हैं उसके बारे में जिक्र हो रहा है। और निश्चित तौर पर बहुत सारे जनपद शेष रह गए थे जहाँ पर मोबाइल का वितरण नहीं किया गया था 2019 के बाद से, तो वहाँ पर मोबाइल का वितरण होना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं किया गया। इससे जो आंगनबाड़ी कर्मी परेशान हैं, अधिकांश वर्कर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इस समस्या का शीघ्र समाधान ना किया गया तो शासन स्तर पर इसकी शिकायत की जाएगी। ये जगदीश प्रसाद जो है वर्मा, इनका बयान है। आपको बता दें यहाँ पर 20 बाल विकास परियोजना दफ्तर हैं, इसके अधीन जो है वर्तमान में 3586 आंगनबाड़ी वर्कर कार्यरत है। करीब 1.25 लाख जो है 1.25 लाख बच्चे व किशोरी उदात्री व महिलाएँ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें तमाम वर्करों ने मोबाइल ख़राब होने की सूचना मुख्य सेविकाओं को दी, इसके बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल आप लोगों को 2021 में कुछ जनपदों में दिए गए थे, लेकिन जो है 2019 में भी मोबाइल का वितरण हुआ था कुछ जनपदों में। जहाँ पर मोबाइल का वितरण हुआ था वहाँ पर आपको बता दें मोबाइल फिर से नहीं दिए गए 2019 के बाद से, लेकिन जो 2019 में मिले थे उनकी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा विकराल हो गई है। ऐसे में जो है आंगनबाड़ी कर्मी, उनका यूनियन कह रहा है कि फिर से मोबाइल दिए जाए, अन्यथा की स्थिति में वह काम नहीं कर पाएंगे। शहर परियोजना के आंगनबाड़ी केंद्र के जो है कई लोगों का बयान भी यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं।